Welcome to my YouTube channel. I am Neel Kamal and today we will learn class 6 history. Third chapter we will learn and the name of the chapter is In the Earliest Cities. We have already started this chapter earlier and completed few of subtopics and the remaining subtopics we will cover today. Okay, so the next subtopics we are going to discuss is food for people in the cities. आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बहुत तरह की वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, वहाँ पे सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे जो क्राफ्ट का काम होता था वो कैसे होता था और वहाँ पे जो मेटल्स मंगाए जाते थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। अब ये बात उठती है कि जो शहरों में रहने वाले लोग थे उनके लिए फूड कहाँ से आता था। तो इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको ध्यान होगा कि ये जो सिविलाइजेशन था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। सो दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन और यू कैन कॉल हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। सो व्हाट हैपेंस, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सभी लोग शहरों में ही रहते हैं? तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अर्बन सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी यहाँ कुछ लोग थे जो सिटीज में रहते थे और कुछ थे जो विलेज में या कंट्री साइड में रहते थे। अब शहर में रहने वाले कौन लोग थे ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हम उनका नाम लिख लेते हैं। तो शहर में रहने वाले जो लोग थे उनमें थे रूलर्स, दूसरे थे स्क्राइब्स और तीसरी तरह के जो लोग थे वो थे क्राफ्ट पर्सन्स। अब रूलर, तो जो रूलर होता है वो तो शासन करता है, राजकाज चलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। स्क्राइब जो होता है वो लिखने का काम करता था और जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो क्राफ्ट बनाते थे। तो इनमें से कोई भी एग्रीकल्चर तो कर नहीं रहा है, पर इन्हें फिर फूड मिल कहाँ से रहा है? वेयर फ्रॉम द फूड इज कमिंग इन द सिटीज? सो विलेज में और कंट्री साइड में लोग थे जो कि एग्रीकल्चर का काम करते थे। हम देख लेते हैं कि विलेज में रहने वाले लोग दो तरह के काम करते थे, एक तो एग्रीकल्चर का काम करते थे और दूसरा रियरिंग एनिमल यानी एनिमल्स को पालने का काम करते थे। तो विलेज में रहने वाले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो एग्रीकल्चर में ये किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, ये सारी चीज़ें? तो जितनी सारी चीज़ें हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, अमूमन उतनी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन उस समय भी होता था। इसके अलावे जो दूसरा ग्रुप था जो कि एनिमल्स को पालने का काम करता था, चराने का काम करता था, ये ग्रुप किन किन तरह के एनिमल्स को रखते थे? तो इनमें आपको मिल जाएंगे कैटल्स होते थे, शीप होते थे, गोट्स होते थे और इसके अलावा बफेलोज होते थे। तो आप देखेंगे कि सिटी लाइफ जो था वो डिफरेंट था, वहाँ के जो लोग थे वो प्रोडक्शन का काम नहीं करते थे, लेकिन विलेज में और कंट्री साइड में रहने वाले लोग जो थे वो प्रोडक्शन का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, रियरिंग एनिमल का भी वहाँ पे काम होता था। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि जानवरों को भी पालते थे। तो अब सवाल एक पैदा होता है कि एग्रीकल्चर करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो आप देखेंगे कि इन दैट पीरियड A new tool plow was used to dig the earth and turning the soil and planting seeds. But the real plow have not survived. लेकिन जो एक toy plow था वो हमें, जो एक खिलौने वाला हल था वो हमें मिला है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे खेती के लिए। दूसरी चीज़, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, वो थी इरीगेशन, यानी कि पानी कहाँ से आएगा। दूसरी चीज़ जो थी वो थी इरिगेशन, यानी कि खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी कहाँ से आएगा? बिकॉज इफ़ यू सी द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरफ जो था वो रेनफॉल जो था उसकी मात्रा कम थी, क्योंकि पानी यहाँ पे कम पड़ता था, इस वजह से वाटर को स्टोर करके रखा जाता था इरिगेशन में हेल्प करने के लिए, ताकि अच्छे से सिंचाई की जा सके और प्रोडक्शन अच्छा हो सके। तो हमने देखा कि किस तरह से गांव में और कंट्री साइड में रहने वाले लोग
एग्रीकल्चर और रियरिंग एनिमल का काम करते थे। ये जो भी प्रोडक्शन करते थे इसको ये शहर के लोगों तक पहुंचाते थे। तो जो हमारा हेडिंग है कि फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, तो ये जो सवाल उठता है कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए फूड कहाँ से आता था, तो उसका सीधा सा आंसर है कि इनके लिए फूड जो सप्लाई होती थी वो कंट्री साइड से सप्लाई होती थी। पर वो लोग जो कि एनिमल्स को पालते थे बड़ी संख्या में, बफेलो को, कैटल को, शिप को, गोट्स को, बट कई बार क्या होता था कि जैसा मैंने बताया कि ये जो एरिया था, पूरा जो एरिया था, यहाँ पे रेनफॉल की मात्रा बहुत कम होती थी, बारिश बहुत कम होती थी। तो क्या होता था कि जब कभी भी ड्राई समर होता था तो ये अपने जानवरों को लेके डिस्टेंट लैंड में चले जाते थे, दूर की जगहों पे चले जाते थे उनके पास्चर लैंड की तलाश में। यानी कि यहाँ पे उन्हें हासिल नहीं हो पाता था कि वो क्या खिलाएंगे जानवरों को, तो इसके लिए वो दूर की जगहों पर चले जाते थे। और इस क्रम में वो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा भी करते थे, जैसे कि बेर, जंगली फल जो होता है बेर, उसको इकट्ठा करते थे। ये फिश को मारते थे, इसके बाद एनिमल्स की हंटिंग करते थे। और तो आप देखें कि कहीं ना कहीं ये हंटिंग भी कर रहे हैं, गैदरिंग भी कर रहे हैं, और एक ग्रुप है जो कि एग्रीकल्चर भी कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब देखो बच्चों, गुजरात में बहुत सारे साइट्स मिले हैं। आपकी बुक में क्लास 6 में गुजरात में दो साइट्स के बारे में बताया गया है मेनली, एक तो धोलावीरा और दूसरा लोथल। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या फाइंडिंग्स यहाँ से मिली है। तो धोलावीरा की यदि बात करें तो इफ़ यू रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड दैट मेनी ऑफ द सिटीज वेयर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बट दिस वॉज एन एक्सेप्शन। धोलावीरा जो है, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, द होल साइट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, एंड दिस वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल्स, दिस वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल स्टोन्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट फाइंडिंग हमें मिलती है वो देखें क्या हमें मिला है धोलावीरा साइट से, वो है लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। जो रहने की जगह थी वहाँ पे बहुत बड़ा सा एरिया मिला है, खुला ओपन एरिया मिला है, जिसका इस्तेमाल पब्लिक सेरेमनीज के लिए किया जाता रहा होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही यूनिक फाइंडिंग मिली है, वो है लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, वाई दिस वॉज यूनिक फाइंडिंग, बिकॉज ऑल द स्क्रिप्ट वी हैव गॉट दैट वॉज मेड ऑन द सील, स्मॉल ऑब्जेक्ट, सील के ऊपर बनी हुई अभी तक के स्क्रिप्ट मिली है। बट ये एक फाइंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक थी कि हमें ये मिली है। मैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि वहाँ की स्क्रिप्ट क्या थी और क्यों उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। धोलावीरा साइट जो था वो रन ऑफ कच्छ के खादर बेल्ट में मिला था, और यहाँ की जो सॉइल थी वो भी काफ़ी फर्टाइल थी। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेश वाटर की भी सुविधा थी। गुजरात में जो हमें दूसरा साइट मिला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो साइट, और वो है लोथल। तो लोथल से हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लोथल कहाँ पर स्थित था। लोथल जो है वो साबरमती जो एक नदी थी उसकी ट्रिब्यूटरी थी, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। लोथल जो था वो साबरमती के ट्रिब्यूटरी के किनारे बसा हुआ था उस समय, और ये खंबात की खाड़ी के नज़दीक था। सो इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स वेयर ईजिली अवेलेबल। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन्स, शेल्स एंड मेटल्स। इसके अलावा हमें जो यहाँ से मिला है वो एक स्टोर हाउस मिला है। स्टोर हाउस जो मिला है, उस स्टोर हाउस में बहुत से सील और सीलिंग्स भी हमें मिले हैं। सीलिंग्स जो होती थी वो मिट्टी के ऊपर जो सील का इम्प्रेशन होता था उसे कहते थे। तो सील्स ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती होंगी, ऐसे बैग्स को स्टैम्प करने के लिए, जिन सामान को बाहर भेजा जाता था उसके ऊपर सील लगाया जाता था। और इसके अलावा हमें यहाँ से एक बिल्डिंग भी मिली है, जिसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रोबेबली दिस बिल्डिंग वॉज अ वर्कशॉप, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आधे अधूरे बने हुए बहुत सारे बीड्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुजरात में मिले हुए दो इम्पॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस किया, एक धोलावीरा और दूसरा लोथल। और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट सब टॉपिक पे,
और वो है द मिस्ट्री ऑफ द लैंड। अब देखिए, हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से, कि किस तरह से नदी के किनारे कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, और हम ये एंड की बात क्या कर रहे हैं भला? द मिस्ट्री ऑफ द लैंड का क्या मतलब है? ये क्या रहस्य है? क्या ये सिविलाइजेशन जो इतने सालों साल चली वो क्या ख़त्म हो गई? एक्चुअली अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या चेंजेस थे, क्यों कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? जब हम ये जान लेंगे कि ये ये किस तरह के चेंजेस थे जो हमें देखने को मिलते हैं, तो हम शायद ये पता कर पाएँ कि आखिर इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल क्यों हुआ, इस सिविलाइजेशन का अंत क्यों हुआ, और क्या सिविलाइजेशन का अंत हुआ भी। तो ये तो एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, जिसके ऊपर देखो एवरीडे कुछ ना कुछ नई नई रिसर्च वर्क चल रही है और बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। तो वो सब जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे पढ़ेंगे, बट अभी हम कोर्स की यदि किताब पढ़ें तो उसमें जितना है उतना तो जानना ज़रूरी है ना। तो देखिए क्या हुआ कि अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज। व्हाट काइंड ऑफ बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी फाइंड? तो पहला देखिए, स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़। जो बहुत सारे शहर थे जिनका हम लोगों ने नाम देखा था, जिनका हमने लोकेशन देखा था, इन सारी जगहों पे बहुत सारे लोग जो थे वो रहना कम हो गए थे, यानी लोग सिटीज़ में रहना कम हो गए थे। आखिर क्या बात हुई कि वो सिटीज़ में रहना कम हो गए? दूसरा है कि जो राइटिंग्स मिली हैं, जो सील्स मिली हैं, जो सीलिंग्स मिली हैं, जो वेट्स मिले हैं, ये सारे चीज़ बहुत ही रेयर हो गए, बहुत कम मिलने लग गए। पहले जैसे कि बहुत आसानी से मिल जाते थे, वैसा नहीं रह गया, और अब ये चीज़ें कम मिलने लग गए। कहने का मतलब इनका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया। तीसरा यदि देखें कि रॉ मटेरियल बिकम रेयर, रॉ मटेरियल दैट वाज ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस, वो भी काफ़ी कम हो गया, रॉ मटेरियल काफ़ी कम मंगाया जाने लगा। नेक्स्ट देखिए कि मोहनजोदाड़ो जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये वेल प्लान्ड सिटी थी, वहाँ पे गार्बेज जो थे वो पाइल्ड अप होने लगे, और जहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही उम्दा, जो कवर्ड नालियाँ थी, और फिर वो बिल्कुल शहर के अंत में, शहर में जाके जो मेन नाला होता था वहाँ मिलती थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब हो गई। तो जो सिस्टम ऑफ जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट आल्सो ब्रोक डाउन। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मिस्ट्री ऑफ द लैंड क्या है, किस तरह से ये सिविलाइजेशन आया? इनिशियली तो हम लोगों ने देखा कि ठीक है, सिविलाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ा और कितना अच्छा सिविलाइजेशन था, कितनी वेल प्लान्ड सिटीज़ थी यहाँ पे, और कितने अच्छे तरीके से शहर बने हुए थे। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया और ये इसका डाउनफॉल हो गया पूरे सिविलाइजेशन का? तो देखो, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, इन सब का अलग अलग मत है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। क्या कहना है कुछ लोगों का वो हम देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो नदियाँ थी, क्योंकि हमने देखा कि जो सिविलाइजेशन थी वो जो भी साइट्स हमें मिले हैं वो प्रोबेबली किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, तो ये साइट्स में, तो लोगों का कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि रिवर्स जो थी वो सूख गई थी, रिवर्स ड्राइड अप, तो इस वजह से क्या है वहाँ से लोग कहीं मूव ऑन कर गए किसी दूसरी जगह पर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। तो डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ होगा कि डिफॉरेस्टेशन के लिए लोगों को फ्यूल की ज़रूरत थी, लोगों को जलावन की ज़रूरत थी। तीसरा कारण जो स्कॉलर्स देते हैं इस सिविलाइजेशन के एंड होने का, वो बताते हैं कि ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्डर्स ऑफ कैटल, गोट्स एंड शीप्स। उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा संख्या में कैटल्स होते थे जिसको ये लोग यहाँ पे लाते थे, और उनके ग्रेजिंग करने की वजह से क्या हुआ कि ये पूरी सभ्यता का अंत हो गया। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि इस एरिया में बाढ़ आ गई और बाढ़ से पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। बट यू सी, नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल सिटीज। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया होगा, और क्या हुआ कि आप देखिए कि जो मैक्सिमम साइट्स जो मिले हैं वो वेस्ट की साइड में मिले हैं, तो जो सिंध था और जो नॉर्थ वेस्ट पंजाब था जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल खाली हो गया,
और पीपल मूव्ड फ्रॉम हियर टू अ न्यूअर स्मॉलर टाउन इन ईस्ट एंड साउथ। इसके बाद न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। इसके बाद तकरीबन 1400 सालों के बाद, यानी इस डाउनफॉल के 1400 सालों के बाद फिर से नई सिटीज़ उभरती है, जिसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम एल्सवेयर में इजिप्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा एल्सवेयर का सेक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जो हमारा एल्सवेयर का सेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त हमारे देश में क्या हो रहा था उससे सिमिलर चीज़ें बाहर की कंट्री में, कौन सी कंट्री में हो रही थी, इसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में पढ़ते हैं। तो इसमें हम इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही इस क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था कि इजिप्ट भी एक सिविलाइजेशन था जिसका डेवलपमेंट हुआ था नाइल रिवर के किनारे। जैसे हमारा इंडस रिवर के किनारे हुआ था, वैसे ही ये नाइल रिवर के किनारे यह सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर उस समय में क्या था कि तकरीबन 5000 साल पहले की बात है कि यहाँ पे किंग जो थे वो रूल करते थे। इन किंग्स को फराओ कहते थे, फराओ। इसके बाद यहाँ के जो फराओ थे, यहाँ के जो किंग्स थे, इन्होंने भी अपनी आर्मीज़ को डिस्टेंट लैंड पे भेजा, दूर की जगहों पे भेजा, ताकि वो वहाँ से प्रीशियस स्टोन्स और बहुत महंगी चीज़ें मंगवा सकें, जैसा हमारे यहाँ के राजा कर रहे थे यहाँ पर। इसके बाद इन लोगों ने ह्यूज टॉम्स बनवाए, जिसे पिरामिड्स कहते हैं। इन टॉम्स में क्या होता था कि जब राजा मर जाते थे, जब रूलर यहाँ मर जाता था, तो उनके बॉडीज़ को, उनके बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था केमिकल्स वगैरह लगा के, और तब फिर उसे इसके अंदर, इस पिरामिड्स के अंदर रखते थे। इस तरह की बॉडीज़ जिनको प्रिजर्व किया जाता था उनको ममीज़ कहते थे। जब इनको रखा जाता था इसमें, तो उनके साथ बहुत सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी रखी जाती थी, उनका फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स। इसके अलावा जो सर्विंग मेन और वुमेन होते थे उनको भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था उनके। तो इस तरह से इन द अर्ली सिटीज़ ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।